अस्सलाम वालेकुम, मैं जुरैद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसी इशू को लेके जिसको हम लेकर चल रहे हैं, और वो है महंगाई। महंगाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और ना ही इसकी तरफ कोई भी हुक्मरान तवज्जा दे रहा है, ख्वाह वो पंजाब हुकूमत हो, ख्वाह वो वफाकी हुकूमत हो, ख्वाह वो पंजाब स्पीड हो या हमारे वज़ीर आला पंजाब 1122 हो, कोई भी इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। आटे की कीमत 130 रुपये तक पहुँच गई हुई है और आटा पौन से बाहर हो गया हुआ है। एक बंदा जो 400 से 600 रुपया कमा रहा है और एक आटा किलो लेके आता है 130 का, उसमें कितनी रोटियां पकेंगी? ये कभी इन लोगों ने सोचा है? इनको सोचना चाहिए कि महंगाई कहां से कहां पे पहुंच गई हुई है और किस तरफ जा रही है। खुदा का खौफ करें और महंगाई को कंट्रोल करें। इसी तरह चौधरी परवेज भाई साहब, उनसे एक और दरख्वास्त है कि डेंगू लाहौर में बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है, आप डेंगू को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी टीमों को रवाना करें ताकि वो गली मोहल्लों में जाकर स्प्रे करें। आज गली मोहल्लों से मरीज निकल रहे हैं, डेंगू के मरीज निकल रहे हैं, तो खुदारा आप स्प्रे करवाएं, अपनी टीम में रवाना कर दें। एक दिन दो दिन की मोनोसलाई को छुट्टी दे दें, उसको कहें भाई अभी अवामी काम भी कर लें, अपने काम हमारे होते रहेंगे। इसके बाद आ जाइए कि डॉलर हिसाब डाल के वापस आने से नीचे गिरता जा रहा है और काफ़ी हद तक नीचे भी चला गया, तकरीबन 234 रुपये तक चला गया, तो उसके मुस्बत असरात का अवाम को बहुत इंतज़ार है। इन्होंने एक खुशखबरी तो आई है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो डॉलर के गिरने की वजह से तकरीबन 9 रुपये कम करेंगे, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, यानी कि ये 9 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखते। 238 क्या तो 229 पे आ जाएगा अगर 9 रुपये कम करते हैं तो, लेकिन इनको ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि आलमी सतह पे जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है वो 78 डॉलर बैरल है, फी बैरल, उस लिहाज से तकरीबन ये पेट्रोल कम से कम भी इनको 40 से 50 रुपये कम करना चाहिए। तो मेरी वफाकी हुकूमत से गुजारिश है, इल्तमास है, अपील है कि वो इस तरफ तवज्जो दे और 9 रुपये के बजाय कम से कम 30 से 40 रुपये कम करके वाम को रिलीफ दें, ताकि जो आपको दिन ब दिन गालियाँ पड़ती हैं शायद आपको दुआएं मिलना शुरू हो जाएं। उसके बाद एक शुक्र तरीन साहब ने भी एक बहुत आज उनका स्टेटमेंट है, उसमें शुक्र तरीन साहब ने ये कहा है कि जो ये वफाकी हुकूमत है वो 45% गैस महंगी करने जा रही है। 45% अगर गैस महंगी करते हैं तो तकरीबन 1000 रुपये का 500 रुपये बनता है। अगर आपका 1000 रुपये बिल है गैस का तो वो आपको 500 रुपये और पड़ के आएगा, 1500 रुपये आएगा। तो ये शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट है, अभी कंफर्म तो नहीं है कि शायद वफाकी हुकूमत ये करेगी, लेकिन अगर ये ऐसा करेगी तो वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और ऐसा ना करें और अवाम को रिलीफ की तरफ ले के आए। आपने आइंदा साल इलेक्शन में भी जाना है। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारे मुल्क में जो इस वक्त चल रहा है, वो एक ऑडियो लीक्स चल रही हैं, एक हैकर्स ने हमारे बहुत से जो लीडरान हैं, सियासतदान हैं, दूसरे हैं, उनकी जो कॉल्स हैं उनको हैक कर दिया हुआ है और डार्क वेब पे उसको सेल आउट के लिए लगाया था, लेकिन अब वो कह रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सारा कुछ इसको लेख सामने लेके आऊँगा जो कुछ भी मेरे पास है। तो आज इसी वाले से इमरान खान की भी एक ऑडियो लीक हुई, लेकिन जो इमरान रियाज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये ऑडियो लीक्स नहीं है, ये ऑडियो जो है वो लीक कहीं और से हुई है, ये वो ऑडियो लीक नहीं है जो हैकर कर रहे हैं, बकौल इमरान रियाज साहब के, और ये इमरान को डैमेज करने के लिए ये सारा काम किया गया। इससे वाम को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम दूर रही, इससे हमारे पाकिस्तान को बहुत असर पड़ेगा, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की वाम है, 3 करोड़ तो आपके वैसे सलाब में डूबे हुए हैं, जो बाकी के 19 करोड़ हैं वो इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं, महंगाई ने मत मार दी हुई है। तो मेरी अपील है वफाकी हुकूमत से कि खुदारा कुछ रहम करें और ये महंगाई को कंट्रोल कर लें, बाकी ये मामला चलते रहेंगे। आप अपनी ख़ानदानी सियासत बचाएं या अपनी सियासत बचाएं, अपने बच्चों के बचाएं, लेकिन जो आवाम है जो आपको वोट देती है उनका भी ख्याल कीजिए। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।